हेलो गाइस, मैं रूप सर आप सबके लिए लाया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो अन अकेडमी एक पर। आई एम एडुकेटर ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी तेजी से बढ़ता हुआ देश का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस गुड मॉर्निंग गाइस, अब जीएस बाय रूप सर चैनल का नाम गुरु ज्ञान अकेडमी हो गया है। तो चलिए अपन मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अगस्त और सितंबर के 5 तारीख तक का करंट अफेयर ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था, तो उन्हीं को याद करते हुए और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम अपने करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के प्रधानमंत्री थे और यह अपने पद पर 13 दिन तक रहे। 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। भारत सरकार ने 2004 में भारत रत्न से सम्मानित किया। इन्हीं के काल में भारत ने 11 मई और 13 मई 1998 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए और भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। इस समय हमने 5 परमाणु परीक्षण किए थे जिन्हें शक्ति 1, 2, 3, 4, 5 और इस पूरे चरण को हम शक्ति 98 के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के काल में हमने 1999 में हमने एक युद्ध लड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अटल जी की स्मृति में उदीमान कवि, क्योंकि खुद कवि लेख अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे, सुशासन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 पुरस्कार की घोषणा की। एक उदीमान कवि, दूसरा सुशासन कवि, पत्रकारिता। इसके तहत सरकार 5 लाख रुपए की राशि देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हबीबगंज स्टेशन का नाम अटल स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा था जिसे सरकार ने नामंजूर करके ग्वालियर के बिरला नगर स्टेशन को अब अटल स्टेशन के नाम से हम जानेंगे। पहला वाईफाई स्टेशन हबीबगंज है और यह पीपी के तहत बनने वाला स्टेशन है। इसे बंसल ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर जो है उसका नया नाम अटल नगर हो गया है। तो चलते हैं हम अगले पेज की ओर। अटल जी की कुछ पुस्तकों की बात कर लें हम, तो अटल जी की कुछ पुस्तक हैं मेरी 91 कविताएं और ये सबसे 91 कविताएं 51 कविताएं। उसने पूछा संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, अमर आग है अमर बलिदान, लोकसभा में अटल जी के वक्तव्य का ये संग्रह रहा है। मध्य प्रदेश के सभी 7 स्मार्ट सिटी जिनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना में अटल जी की स्मृति में लाइब्रेरी स्थापित होगी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और शोध केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। इन सभी लाइब्रेरी को अटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। भोपाल में 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ग्लोबल स्किल पार्क ऑफिस के चारों ओर श्रम उदय विद्यालय का नाम अटल जी के नाम पर ही रखा जाएगा। फिर है उम्र दराज हथनी जो पन्ना नेशनल रिजर्व में पाई जाती है जिसका नाम बत्सला का नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया है। यह अतनी 100 साल से अधिक है। यह नीलाम्बू नेशनल पार्क जो केरल में पाया जाता है अभ्यारण्य, वहाँ से लाई गई थी। राज्य महिला आयोग ने कहा प्रदेश के सभी जिलों पर जिला स्तर पर जिला शक्ति समिति, विकास खंड पर संगीनी समिति और ग्राम स्तर पर शक्ति समिति का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 को हुआ
और महिला आयोग की अधिनियम की धारा 1995 के तहत धारा 3 के तहत इसका हमने गठन किया। महिला जो आयोग है ये हमारा 7 सदस्यीय होता है, इसमें एक अध्यक्ष जो बेसिकली शासकीय विभाग से होती है और महिला ही होती है, इसका अध्यक्ष चुना जाता है, 6 सदस्य होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस जो 25 दिसंबर के नाम से जाना जाता उसे हम सुशासन दिवस के नाम से जानते हैं। 25 दिसंबर को ही मध्य प्रदेश सरकार ने सुशासन एक्सप्रेस चलाई थी जो ग्वालियर से लखनऊ तक जाती है। नाबालिग से अब दुष्कर्म करने पर फांसी का प्रावधान करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस का मोटो देशभक्ति जनसेवा है। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला ने हैं। भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत 2017 में सागर जिले के खुरई से हुई थी। इसमें चना, सरसों को, मसूर को बाद में बाहर कर दिया था। 8 फसलें शामिल थीं और इस साल सरकार ने इसमें मूंग को जोड़ दिया है। खुरई में ही 2018 में कृषि का एक नया कॉलेज खुलने की, शासकीय कॉलेज की घोषणा की गई है। साथ ही यहाँ की तहसील रहली में एक उद्यानिकी महाविद्यालय बनाए जाने की घोषणा सरकार की है। राज्य के कृषि कल्याण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर और राजगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री गौरी शंकर बिसेन जी हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च स्तरीय स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इसके लिए 75% राशि भारत सरकार और 25% राशि राज्य सरकार देगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए की राशि केरल जो बाढ़ राहत कोष के लिए दी, जो बाढ़ में केरल में आई है भयानक बाढ़, उसके लिए सरकार ने फंड दिया था। मध्य प्रदेश की एनसीसी कैडर जय हरिन खेड़े ने उत्तराखंड की माउंट सिटी चोटी पर पर्वतारोहण किया है। तो ये एक स्टार पॉइंट रखना, जय हरिन खेड़े कौन है, एक पर्वतारोही है। मध्य प्रदेश की भू राजस्व संहिता 1959 के अधीन बने नियमों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष IAS दानी हैं। 19 जून 2018 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई। स्मार्ट शहरों में सुरक्षा के लिए लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सागर जिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यातायात की दृष्टि से सबसे सुरक्षित शहर, जबकि ईजिंग ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश की 2 शहर टॉप में शामिल है। पहला इंदौर रहा जो 8वें स्थान पर रहा और दूसरा भोपाल 10वें स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र का पुणे पहले स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के एलॉट में नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील में महाविद्यालय और सागर जिले की रहली तहसील में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की मंजूरी मिल गई है। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय 1985 से खोलना शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को दी जाने वाली श्रद्धा निधि में 6,000 से बढ़ाकर 7,000 करने का निर्णय लिया और उनकी सीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 कर दी है और बाकी सभी की 60 वर्ष से 62 बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में 2 अगस्त से 15 सितंबर तक स्वस्थ प्रदेश अभियान संचालित किया जाएगा। प्रदेश की सरकार 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक हरियाली अमोद उत्सव मनाएगी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2018 में मध्य प्रदेश के कितने गांवों को सम्मिलित किया, तो 510। 14 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने वीरों के सम्मान में शहीद सम्मान दिवस मनाया, जो शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। शौर्य गलत लिखा है इसमें। 1 अगस्त को बरकतुल्ला स्थापना दिवस भी मनाया। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को सरकार राजस्व दिवस भी अब मनाती है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना जो 25 सितंबर से क्रियान्वित की जाएगी मध्य प्रदेश में। हरियाणा में इसी के तहत एक बच्ची का भी जन्म हुआ है, अभी उसके नाम को लेकर विवाद है। इसकी घोषणा, ये जो भाव अपनी आयुष्मान योजना है 2 अक्टूबर से लागू होनी है इसकी। फिर मुख्य सचिव बसंत सिंह प्रताप यानी बीपी सिंह ने प्याज और लहसुन के लिए उद्यान्ती प्रोत्साहन योजना के तहत 400 रुपये प्रति क्विंटल और लहसुन के लिए 800 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 17 अगस्त को मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आयोजित मिल बाँचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित है। मध्य प्रदेश सिंह के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कंचना मंडी जलाशय का लोकार्पण किया। यह सिवनी जिले में आता है। सिवनी जिले के हालोन जलाशय धूमा स्टेडियम का भी लोकार्पण सिवनी जिले में किया गया। मध्य प्रदेश के शंकर पांडे ने इंग्लैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश में फेंसिंग अकेडमी भोपाल में स्थित है, जबकि खेरवा जाति की उपजाति खेरुबा जाति को पिछड़ा वर्ग से हटा दिया गया है, जबकि सोधिया जाति जो राजपूत वर्ग से है उसे पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 अगस्त को मनाया खेल दिवस के पर स्कूलों में आ जरा खेलें ये प्रोग्राम लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं कुंवर विजय साह जी हैं। मध्य प्रदेश में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि हॉकी के लिए जाना जाता है ये भोपाल में पड़ता है। मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश महिला पुलिस अकेडमी ये ग्वालियर में स्थित है। इसके आगे का करंट अफेयर आपको कल पढ़ाऊंगा मैं 8109933863। आप इस पर मेरे पीएससी एमपीएसआई जेल पैरी के लिए नोट्स भी ले सकते हैं।